पार्टियों में होने वाली गलतियों से कैसे बचें। आपने कई बार ऐसा महसूस किया होगा कि अक्सर आप पार्टियों में बैठकर ये उम्मीद कर रहे होते हैं कि कोई व्यक्ति आपसे आकर बात करे, लेकिन पूरी पार्टी के दौरान कोई व्यक्ति आपसे बात नहीं करता। तब आप ये सोचते हैं कि क्यों कोई आकर आपसे बात नहीं कर रहा है। तो हम आपको बता दें कि कुछ ऐसी गलतियाँ होती हैं जो कई लोग पार्टियों के दौरान करते हैं। हमारी अगली कुछ तकनीकें आपको यही सिखाएगी कि कैसे आप इन गलतियों से बचकर पार्टियों में नए लोगों से मुलाकात कर सकते हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको पार्टियों में हर वक्त बस खाते पीते वक्त नज़र नहीं आना चाहिए। इसके अलावा आप स्वयं ही इस बात का ध्यान रखें कि जब कोई व्यक्ति खाना खा रहा हो तो उस वक्त उसे परेशान ना करें। बाकी लोग भी इसी बात का ध्यान रखते हैं, इसीलिए जब आप कुछ खा पी रहे होते हैं तो लोग आपसे बात करने से बचते हैं। इसी के चलते आप अपना पहला काम ये कीजिए कि खाने या पीने जैसी चीज़ें आप पार्टियों में विशेष समय में ही करें। जब आप खाली बैठे होंगे तभी लोग आपसे बातचीत करने के लिए उत्सुक होंगे, क्योंकि तब उन्हें ये पता होगा कि आप इस वक्त बातचीत करने के लिए उपलब्ध हैं। अब बारी ये जानने की आती है कि किसी भी पार्टी में एंट्री कैसे लें। जब भी आप किसी पार्टी में जाएं तो उस कमरे के मुख्य द्वार पर थोड़ी देर के लिए रुकें और एक नज़र पूरे कमरे में घुमा लें। इससे आपके दिमाग में वहाँ के हालात की पूरी जानकारी बैठ जाएगी और बाकी लोग भी आपको तब तक देख पाएंगे। अब जब आप पार्टी में पहुँच जाएँ तो मान लीजिए कि वहाँ एक ऐसा व्यक्ति है जिससे आप बात करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में हमारे दिमाग में अक्सर ये आता है कि हम बातचीत की शुरुआत नहीं करेंगे, लेकिन हमारे 73वीं तकनीक ये सिखाती है कि जब भी आप किसी व्यक्ति से बात करना चाहते हैं तो इस बात का बिल्कुल इंतज़ार ना करें कि सामने वाला व्यक्ति आपसे आकर बात करेगा। आपको खुद ही उस व्यक्ति से बात कर लेनी चाहिए। इसके बाद हमारी अगली तकनीक ये कहती है कि पार्टी के दौरान खुद की बॉडी मूवमेंट्स ऐसी रखें जिससे लोगों को ऐसा लगे कि आप नए लोगों से बातचीत करना चाहते हैं, ना कि उनसे दूर रहना चाहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे आप अपने हाथों को बांध कर ना रखें। इन चीज़ों का ध्यान रखकर आप नए लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। इसी पार्टी में जब आप उस खास व्यक्ति से मिलें तो सबसे पहले आप उनको एक सुपर कार्स की तरह महसूस करें। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आप कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए हमारे पास हमारी तकनीक नंबर 75 है। इस तकनीक के अनुसार जब भी सामने वाला व्यक्ति से कुछ बात कर रहा हो तो उसकी छोटी छोटी बात भी आप अपने दिमाग में रखें। जहाँ भी आपको मौका मिले आप उनकी छोटी से छोटी सफलता पर भी तारीफ करें। इससे वो व्यक्ति आपसे बहुत प्रभावित होगा, क्योंकि आप उनकी मामूली सी सफलता पर भी प्रोत्साहन दे रहे हैं। हमारे 76वीं तकनीक भी कुछ इस प्रकार है। इसमें भी सामने वाले व्यक्ति की छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है। अगली बार जब भी आप उनसे मिले तो बातों ही बातों उन्हें बताएं कि आपको कैसे उनके बारे में ये छोटी छोटी बातें याद हैं। हमारी अगली तकनीक खास तौर से सेल्स में काम कर रहे लोगों के लिए है। इन लोगों को यदि अपनी सेल्स आगे बढ़ानी है तो उन्हें अपने ग्राहकों को छोटी से छोटी शारीरिक हलचल को ध्यान में रखना होगा। हर व्यक्ति अपने अंदर से खास तरह का संदेश देता है जो उस व्यक्ति की शारीरिक हलचल देखकर समझ में आ सकते हैं। सेल्स में काम कर व्यक्ति को इन शारीरिक हलचलों को महसूस करने आना चाहिए। इनके आधार पर ही ग्राहकों को अपना उत्पाद खरीदने के लिए मना सकते हैं। तो इसी के साथ समरी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगले सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद। कैसे छोटी छोटी बातों से लोगों के जीते दिल। एक विजेता या बुद्धिमान व्यक्ति की खास बात ये होती है कि वो कभी भी किसी व्यक्ति को हर छोटी बात के लिए टोकता नहीं है। एक समझदार व्यक्ति सामान्य मानक व्यवहार को बहुत अच्छे से समझता है। इसके अलावा वो बातचीत के दौरान होने वाली कई तरह की समस्याओं जैसे अटकना, हकलाना इत्यादि को हमेशा नज़रअंदाज करता है। तो आपके साथ वाला व्यक्ति भी ऐसा कोई सामान्य सी गलती करे तो उसकी कभी आलोचना ना करें। इसके बाद दूसरी चीज़ हम देखते हैं वो ये है कि कई बार हम बातों ही बातों में और व्यक्ति की बात को बीच में टोक देते हैं। इससे उस व्यक्ति की बात अधूरी रह जाती है। इसलिए आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जिस भी व्यक्ति की बात अधूरी रह गई है वो आप उसे अपनी बात पूरी करने का मौका दें। यदि कोई आपकी बात बीच में काटता है
तो इस बात के लिए आपको बुरा महसूस करने के लिए आवश्यकता नहीं। इस तकनीक के बाद हमारी अगली बात की शुरुआत इस तकनीक से होती है कि जो आपको ये सिखाती है कि जब भी आप किसी से मांगें तो आप अपने इरादे पहले से ही बता दें। ऐसा ना करें कि आप उनसे मदद किसी और के लिए मांग रहे हैं और जब वो आपके पास आएँ तो आप उनसे अतिरिक्त मदद मांगने लगें। ये एक चालबाज व्यक्ति की निशानी होती है, इसीलिए ऐसा करने से बचें। आपके दोस्तों में कई बार आपको कहीं ऐसा कहा होगा कि वो आपकी उस बात पर मदद करना चाहते हैं, तब आप ये सोचते हैं कि ऐसा करने से शायद आप किसी दूसरे पर निर्भर नजर आएंगे और इसलिए उन्हें मना कर देते हैं। लेकिन हमारी 21वीं तकनीक के अनुसार जब भी आपका कोई करीबी आपकी मदद करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाए तो खुले दिल से उनकी मदद को स्वीकार कीजिए और तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा कीजिए। अपने दोस्तों के बीच होटल और रेस्टोरेंट के बिल चुकाने को लेकर बहस को लेकर जहाँ कई बार एक ही व्यक्ति बार बार बिल चुकाता है, वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कभी भी बिल नहीं चुकाते। इसीलिए अगर आप अपने समूह के साथ हैं तो बिल चुकाते समय ऐसा कभी ना जताएं कि आप ये बिल चुका रहे हैं, बल्कि लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि आप तो मित्रता के कारण ऐसा कर रहे हैं। इससे आपके दोस्तों को अपने आप ही ये एहसास हो जाएगा कि आप अपने सिद्धांतों को लेकर काफ़ी पक्के हैं और अगली बार से वो अपने ही बारी बारी बिल देना शुरू कर देंगे। तो इसी के साथ समरी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगले सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद।